हाय फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे कि ज्यूरिसप्रूडेंस का नेचर क्या होता है। जैसे कि हम इसको समझने के लिए देखेंगे कि हम किसी भी इंसान के नेचर के बारे में बोलते हैं ना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो आज हम देखेंगे कि ज्यूरिसप्रूडेंस कैसा है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो टोटली एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। सोशल साइंस के सब्जेक्ट से वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज़ एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अदर सोशल साइंस। इट इज़ नॉट कोडिफाइड। कोडिफाइड मतलब जिसमें कि शॉर्ट भाषा में लिखा हो, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे कि टेलीग्राम की लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज में। बट ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो कोडिफाइड नहीं है, बल्कि एक ग्रोइंग और डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसकी अपनी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मतलब ये टाइम टू टाइम बढ़ता ही जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन बढ़ती ही जाती है, लॉज बनते ही जाते हैं, तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसका इंक्वायरी सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है दूसरे सब्जेक्ट से। ठीक है, और जो जुरिस्ट हैं वो अपनी जो स्टडी का बेस है वो रूल्स पे रखते हैं। रूल्स पे नहीं रखते, मतलब ज्यूरिस्ट डज नॉट बेस हिज स्टडी ऑन द रूल्स, बल्कि उसको ट्राई करते हैं कि उसकी यूटिलिटी को समझ सकें, पूरी ड्यू डेलिब्रेशन के साथ सोच समझ कर उसको अंडरस्टैंड करके तब अपनी स्टडी करें उस पर। ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे कि जैसे कि ज्यूरिसप्रूडेंस हैज़ नो लिमिट्स को बीइंग अ ग्रोइंग सब्जेक्ट, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, ये बहुत ही ग्रोइंग सब्जेक्ट है। ओके, अब इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, जैसे कि ये एक कोई बोलता है कि आर्ट है, कोई बोलता है कि साइंस है, तो इसको साइंस बोलना बहुत ही मतलब वुड बी मोर प्रेफरेबल, प्रॉपर है और यूज़फुल है इसको साइंस बोलना, क्योंकि साइंस में हम क्या करते हैं कि पहले हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं by inventing new methods की systematic study करते हैं, उसके बाद हम किसी conclusion पे पहुँचते हैं। ठीक है, और jurisprudence concern करता है कि जो उसके fundamental principle of law हैं उससे, और systematic and scientific study of their method, मतलब systematic और scientific study करो उसके methods को fundamental principle of law के। ओके, थैंक यू।